नमस्कार मित्रों, पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित मामले को बतलाने जा रहा हूं। हाल ही में 8 दिसंबर 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले में अनीता शर्मा वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस के मामले में ये कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम का जो कानून है वो अत्यंत उदारवादी और कल्याणकारी कानून है, क्योंकि इस मामले में किसी व्यक्ति की डेथ मोटर एक्सीडेंट में हो गई थी और वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि चूंकि इसके FIR कराने वाले के कथन नहीं हुए थे न्यायालय के समक्ष, ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट ने तो इस प्ली को मान लिया और ये कहते हुए इसके बाद वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया। तो इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन किया गया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम का जो एक्ट है ये अत्यंत उदारवादी और कल्याणकारी कानून है। इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस क्रिमिनल केस की तरह लागू नहीं होते हैं, बल्कि मामले में केवल ये देखना होता है कि क्या ऐसी संभावनाएं थी कि उसकी मृत्यु हुई, और यदि FIR कराने वाले के कथन नहीं भी हुए थे तो इस आधार पर, जैसा कि क्रिमिनल केसेस में होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट वाला प्रिंसिपल वो इसमें लागू नहीं होता है। केवल ये कोर्ट को देखना आवश्यक है कि वास्तव में एक्सीडेंट हुआ था या नहीं, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट्स पर कोई कंपनसेशन देना होता है और उस कंपनसेशन की राशि जो उसे मिलेगी वो उसके जीवन भर उसके डिपेंडेंट्स के लिए उपयोगी होगी। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनीता शर्मा वर्सेज न्यू इंडिया एश्योरेंस के प्रकरण में 8 दिसंबर 2020 को दी गई व्यवस्था में इस मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जजेस को भी काफी कल्याणकारी और उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उस मामले में कंपनसेशन दिलाया गया। एक्सीडेंट क्लेम केस में ये अत्यंत उदारवादी और कल्याणकारी कानून है और अत्यंत लिबरल प्रोसीजर मानते हुए ये कहा गया कि ऐसे कानून के अंतर्गत केवल कोर्ट्स को यह देखना होता है कि वास्तव में दुर्घटना घटित हुई और डिपेंडेंट्स को जो भी उसमें व्यवस्था दी गई है उसके फेटल एक्सीडेंट के क्लेम में उसे कंपनसेशन की राशि दिलाई गई और इंटरेस्ट पेनल्टी आदि भी दिलाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।